Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. I hope you are preparing hard and well for your upcoming exam. And today we will see from question number 66, JSO 23 question paper. कुछ बच्चों का कहना है कि CGL का difficulty level is high compared to DSSSB essay. But syllabus is similar. This type of questions are there in 15 also, 14, 15 also and 17 के paper में भी हैं. Statistics से related जो भी question paper होते हैं, जो भी exams होते हैं, उनमें ये जो questions हैं, these are standard questions. तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये इस type का question नहीं आएंगे. वैसे भी DSSSB essay का जो 2017 में जो paper हुआ, वो काफी उसका जो level था, difficulty level is bit high. सो डेफिनेटली नोट्स का प्रैक्टिस करने के बाद, पढ़ने के बाद, टेस्ट सीरीज करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ये दिस इज द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स पेपर. सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न और काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए तो डेफिनेटली ये आपको करना ही चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, लेट 8 बी द वेरियंस ऑफ अ डेटा सेट. If each observation is multiplied by a constant 2 and a constant 3 is added to each observation, then the variance of the new data set. एक किसी भी data set का variance 8 दिया हुआ है, उसके observations को अगर 2 से multiply करें, सारा जो भी data set है, हर data set के हर observation को हम 2 से multiply करें और उसमें 3 add करते हैं, तो जो नया variance अगर हम calculate करेंगे, तो उसमें क्या difference होगा? अगर आपने नोट्स किए हैं अच्छे से, तो आप मुंह जबानी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो वेरिएंस का जो प्रॉपर्टी होता है, सो एडिंग अ कांस्टेंट टू अ रैंडम वेरिएबल डज नॉट चेंज इट्स वेरिएबल. ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाइंग अ रैंडम वेरिएबल बाय अ कांस्टेंट, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी वो स्क्वायर हो जाता है. कैसे? जैसे v ऑफ a प्लस अगर बी एक्स है, तो ये a सपोज करो मेरा यहाँ पे 3 मैंने ऐड किया और b यानी यहाँ पर मेरा 2 है, मल्टीप्लाई किया, तो क्या होता है, वो हो जाता है आपका b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ जो भी x है. तो वेरिएंस ऑफ x मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, b मेरा 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 इंटू 8 इज 32 विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67 है, द डैश इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो जिन्होंने भी नोट्स पढ़े होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, नोट्स में लिखा हुआ है, सैंपल मीन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है. इफ द फर्स्ट टू रॉ मोमेंट्स ऑफ एक्स आर इक्वल टू जीरो, देन पी एक्स ऑफ इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी रहती है, दैट विल बी 1. 69 है आपका, बॉलीज कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस आपको कैलकुलेट करना है. आपको क्वार्टाइल्स दिया हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर दीजिए. Q3 इज 195 प्लस 62 माइनस 2, Q2 जब आप करेंगे तो इट विल बी 284 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो ये करेंगे तो आएगा 133. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वैल्यू ऐड करने के बाद छोटी आएगी, तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन 2 और 3. तो वैसे भी अगर आपके पास टाइम अलाउ नहीं कर रहा, तो दो ये ऑप्शन वैसे भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका एडिशन आएगा 257 माइनस 284 अपॉन 133. तो अगर इस केस में, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ ऑप्शन, अगर एक भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन नेगेटिव में हो, तीन ऑप्शन पॉजिटिव में हो, तो डायरेक्टली आप, क्योंकि स्क्यूनेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, तो आपको ये डिवीजन करने में अपना समय नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे चूंकि दो ऑप्शन है, दोनों ही नियर बाय है, तो फिर यहाँ पर हमें डिविजन करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 27 बाय 133, तो इट विल बिकम समवेयर माइनस 0.203. ओके, आगे बढ़ते हैं. 70 है आपका, इन टू वे क्लासिफिकेशन हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल. सो टू वे कम्स बिकॉज ईच आइटम इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज. जैसे फॉर एग्जांपल, वन वे क्लासिफिकेशन में जेंडर लिया, पॉलिटिकल पार्टी ली, रिलीजन, रेस, अलग अलग लिया, एक या तो जेंडर या पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन से रिलेटेड या रेस से रिलेटेड. टू वे में क्या हो जाएगा,
जेंडर और पॉलिटिकल पार्टी, जेंडर एंड रेस, या फिर रिलीजन और रेस, इस तरीके से. तो उसमें डेफिनेटली जो टू वैल्यूज ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल रहेंगे. 71 है, इन केस ऑफ ए मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 50 एंड मीडियन इज 53. इफ द कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज 20% देन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा. तो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है, दिया हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है. बस यहाँ पे ट्विस्ट क्या कर दिया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली ना देके आपको यहाँ पर सीवी दिया हुआ है, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएंस वेरिएंस वेरिएशन दिया हुआ है. और लेकिन डायरेक्टली आपको क्लिक करेगा कि आप इससे कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है सीवी का जो होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 होता है. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये सिग्मा निकाल सकते हैं क्योंकि मीन हमारे पास 50 है ही. तो आप फिर स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा में वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे रख दीजिए, दिस इज 20 इंटू सिग्मा अपॉन मीन है आपका 50 इंटू 100, दिस इज 2 times. तो सिग्मा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 से ये कट गया 10, तो ये हो गया 10. तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 53, तो माइनस का 3 आया अपॉन 10. यहाँ पर तो इजी कैलकुलेशन है कि ये माइनस 0.9 आ जाएगा. अदरवाइज अगर बड़ा कैलकुलेशन हो तो अगेन आपको ऑप्शन में देखना है. जैसे यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक ही जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, बाकी तीनों पॉजिटिव है. ओके, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट कैलकुलेशन के केस में एक बार ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है, तो वो टाइम फिर हमें वहां पर सेव कर सकते हैं. Which of the following options represent the component of a time series? तो trend भी होता है, खाली trend होता है ऐसा नहीं है, periodic changes, random, irregular movements, ये सभी component है time series के. Which of the following is true? तो mode is equal to 3 median minus 2 mean. Straightforward formula है, ये दिया हुआ है. Okay, जिन्हें याद होगा वो tick कर पाएंगे, जिन्हें नहीं होगा फिर उनके लिए तो इस question को attempt करने का कोई मतलब नहीं बनता है. क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, इजी सा क्वेश्चन है. आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, आई की वैल्यू दी हुई है 5 तक हमें लेना है, तो मीन निकालना है. तो सिंपल सी बात होती है कि जो मीन होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पहले एक्स वन कैलकुलेट करना है. तो एक्स वन क्या हो जाएगा, 1/5 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/5 = 0.2, तो ये हो जाएगा 2.2. एक्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 2/5 + 2, यानी कि हो जाएगा 0.4 + 2, तो ये हो जाएगा 2.4. इसी तरीके से x3 होगा 3/5, तो डेफिनेटली समझने वाली बात है कि जब कंटिन्यूएशन में वो चलेगा तो ये 0.2, ये आया 0.2, ये 0.4, ये 0.6, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2.6, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2.8 और नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3.0. इन सभी का एडिशन कर दीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 13/5, तो ये हो जाएगा 2.6 आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो वेरिएंस, रेंज और मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका है. इसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये मैंने नोट्स में टेबल बनाया हुआ है कि कौन से एब्सोल्यूट हैं, कौन से रिलेटिव हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और क्या उनमें डिफरेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, इन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स आर यूज्ड टू, तो दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द न्यूमरेटर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला. अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ऑल दो ये क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं स्पीयरमैन्स वाले, वो DSSS में नहीं आए हैं इतने डीप में कि वहाँ पर वो पूरा कैलकुलेशन, डीप वाला कैलकुलेशन करने को दिया हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले से लिख सकते हैं. 77 है आपका, इफ द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आपने समझ के नोट्स पढ़े होंगे तो ये भी मुंह जवानी का क्वेश्चन है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें, मतलब क्लियरली मैंने इसको ब्लू इंक से, डार्क इंक से लिखा हुआ है, नोट में मेंशन किया हुआ है कि जो मीन होता है
इक्वल्स टू वेरियंस जो होता है पैरामीटर के बराबर इक्वल्स टू लैम्डा होता है। सो यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो वेरियंस भी मेरा क्या हो गया 3 हो गया। ओके, मीन भी 3 हो गया, वेरियंस भी 3 हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो वो मैंने हाईलाइट कर रखी है नोट्स में। तो बस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने जानबूझ के पूछा ताकि आपको वहां अप्लाई करना पड़े कि वेरिएंस सेम होता है, तो देन आई कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी इजीली। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पे है एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू, तो किसके बराबर वो होगा? तो सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन करना होगा, उसके लिए रेंज आपको दी हुई है एंड कैलकुलेशन करनी होगी। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये होता है, जनरली पीडीएफ हम लिख देते हैं, मैं वो लाइन नहीं लिख रही हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ रेंज आ जाएगी 1/2 लोअर लिमिट एंड 3/4 इज अपर लिमिट। तो इसको आप 3 को कॉन्स्टेंट को बाहर रख लेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी या ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3। जब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट काम करते हैं तो आता है x, नेक्स्ट माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एंड लिमिट आप लगा लीजिए 1/2 3/4। ओके, यहाँ भी लिख दूंगी थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 को आप ले लीजिए बाहर, अपर पहले क्या लगती है, अपर लिमिट लगती है, देन माइनस फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे सारे पहले इन सब में अपर लिमिट लगेगी, तो दिस विल बी 3/4 माइनस 9/16 प्लस 27/ ये हो जाएगा 64 × 3, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, तो यहाँ पर ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 3 मैंने ऐसे लिख दिया तो ताकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, 3 नाम 27 हो जाएगा, देन अगेन आएगा फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस रहेगा 1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 1/8 होगा, और 8 × 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, तो अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये जो है यहाँ पर एलसीएम मुझे आसान सा दिख रहा है तो मैंने यहीं पे कर लिया, 24 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -21/24। तो और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/4 -27/16 प्लस 27/64, एंड यहाँ पे सॉल्व करके आता है आपका -7/24। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा आपका माइनस का 21/24। ओके, तो यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे तो 64 24 वो बड़ा नंबर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे 1/4 इजीली वे में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 27/4 प्लस 27/16 माइनस 21/6। ओके, सो अभी काफ़ी इजी हो गया आपको एलसीएम लेना, तो ये 1/4 बाहर रहा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 48। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस विल कम 432 माइनस 324 प्लस का 81 एंड माइनस का 168 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 × 21/48। तो ये हो जाएगा 3 7 21 एंड 3 6 18, तो ये हो जाएगा 7/64। ओके, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी बट इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। सो इन अ वन वे क्लासिफाइड डेटा एनालिसिस विथ वी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर इज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दिस इज एन माइनस वी रहता है। सिंबल्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एन दिया, ठीक है, ब्लॉक्स जो भी वैल्यू दिया, जो भी सिंबल दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बन जाएगा।
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता है कि तीनों वैल्यूज इक्वल रहती है, मीन, मीडियन और मोड सभी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। सो 81 है, लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स गिवन बाय पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी फोर टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, वेयर एक्स का वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, देन सी इज इक्वल टू। तो हमें पता है कि ये जो समेशन होता है इन प्रोबेबिलिटीज का, दैट इज इक्वल टू 1। तो सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0 to, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं आ गया तो इट विल गो टिल इन्फिनिटी, सो दिस इज 4 टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स इक्वल्स टू 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का समेशन 1 होगा। तो वी नो कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो ई टू द पावर एक्स होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन और आई इक्वल्स टू 0 to infinity एक्स टू द पावर आई, आप जो भी आप आई ले लीजिए या एन ले लीजिए, अपॉन फैक्टोरियल आई होता है। ओके, तो इसको यहाँ पर इससे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स, यानी कि सी ई टू द पावर 4 इक्वल, इसको मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, ई टू द पावर एक्स, यानी कि एक्स मेरा यहाँ पर क्या है 4 है, ई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर 4, तो सी विल बी ई टू द पावर माइनस 4। ओके, 82 है, एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफाइड डेटा इज यूज्ड टू कंपेयर। तो ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस नहीं, टू पॉपुलेशन मींस सेवरल पॉपुलेशन मींस को हम वन वे क्लासिफाइड डेटा को यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इंडस्ट्री द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज इज 20%। The probability that out of 6 workers, 4 will be suffer from this disease. तो अगर मैं बोलूँ कि probability of success, यानी कि probability of जो यहाँ पर disease का दिया हुआ है, okay? क्योंकि हम generally इसी वे में लेते हैं, that is आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है 20%, तो 20/100 equals to 1/5, तो इसको अगर मैं P मानती हूँ तो probability of failure मेरा क्या हो जाएगा, 1 - 1/5, that is 4/5, वो मेरा हो जाएगा Q, okay? N जो दिया हुआ है वो दिया है out of 6 workers, कितने हैं 4 suffer करते हैं, X मेरा यहाँ पर random variable है, तो formula क्या हो जाएगा, N CR P to the power R Q to the power N minus R, okay? तो R मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R मेरा हो जाएगा 4, हो जाएगा 64 1/5 टू द पावर 4 एंड 4/5 टू द पावर n माइनस r, यानी 6 - 4 = 2। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो ncr से हो जाएगा, ncr आपको पता ही है, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो मेरा r है वो 4 है, 4 फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड करने का मतलब ये यहीं से ही कट हो जाएगा, 6 - 4 = 2 का फैक्टोरियल इज 2, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 15। 1/5 आपका होता है 0.2 to the power 4, तो ये हो जाएगा 0. आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो हो जाएगा 4 टाइम्स डेसिमल लगाकर, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.6 × 10⁻³, और ये होता है 0.8 × 2 तो हो जाएगा 0.64। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम जब ऑप्शन देखेंगे, जैसे मैंने भी ऑप्शन नहीं दिखा और सॉल्यूशन करती चली गई, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है कि इतना कैलकुलेशन का रियली में जरूरत है या नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन में लग जाते हैं, हम ऑप्शन की तरफ देखते ही नहीं है। ओके, तो आपको देखना है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें डिनोमिनेटर में 5 के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर ये तो मेरा 15 हो ही गया। ओके, 15 इंटू यहाँ पर अगर मैं ये 5 to the power 4 हो रहा है और नीचे 5 to the power 2, यानी नीचे 5 to the power 7 आ रहा है, और यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन 16 यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है और 7 भी कहीं भी नहीं है। तो अगर मैं 5 to the power 6 कर दूँ, 15 × 16/5 × 5 to the power 6 कर दो, तो ये 5 × 15 हो जाएगा, तो 16 × 3 = 48, 48/5 to the power 6 क्या मेरा ऑप्शन है, तो
एक्चुअली सॉरी ये 4 और 2 है, तो ये 6 है, 5 to the power 6 था यहाँ पर, बट 16 into 15 बड़ा वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर एक 5 को सेपरेट किया तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पर 48/5 to the power 5 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 है आपका, एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है ये नोट्स में से। 85 is if a biased coin is tossed 10 times out of which head is obtained 3 times then what is the probability of getting head on 11th toss? तो if the coin, इस केस में क्या होगा, if the coin is fair, जब coin fair हम toss करते हैं तो probability of getting head चाहे वो 11th हो या कोई भी toss हो तो उसमें 1/2 0.5 रहती है, but यहाँ पर the coin is biased so then we need to know the probability of getting head on a single toss to calculate the probability of getting head on the 11th toss. तो single toss में जो probability होगी वो क्या होगी, 10 में से 3 बार आ रहा है तो 3/10, तो वही probability क्या होगी आपकी 11th toss पर रहेगी क्योंकि the coin is biased. Okay? So this is all for today's video, today's class. So next questions we'll see in the next video. तब तक के लिए अपनी practice करते रहिए. Thank you.